तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 100 से ज्यादा मूवीज, वेब सीरीज, थिएटर, ओटीटी की एक साथ इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई हो। ऐसा हमें यूएस में ही देखने को मिलता था, लेकिन जिनको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि 12 अप्रैल को जियो स्टूडियो की तरफ से ऑर्गेनाइज एक प्राइवेट इवेंट में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट एक साथ देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन एक बात ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी किया मुझे कि यार जब 100 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट आप एक साथ कर सकते हो तो असुर 2 की अनाउंसमेंट भी आप कर ही सकते थे। एक साल से सिर्फ तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। कोई बताओ यार इन्हें कि असुर 2 भी रिलीज करना है। खैर अपने मेन टॉपिक में वापस आते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ उन 100 प्रोजेक्ट में से 10 ऐसी मूवीज जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एक्साइटेड हो जाओगे मेरी तरह। तो इंडिया की बेस्ट कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स अब धीरे धीरे एक्सपेंड होने जा रहा है। दिनेश विजांस की दो अपकमिंग सीक्वल मूवीज स्त्री 2 और भेड़िया 2 आने वाली है। स्त्री 2 और भेड़िया 2 जो अपने ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ एक बार फिर से वापस आ रहा है, जिसमें से हमें सबसे पहले स्त्री 2 देखने को मिलने वाली है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 31 अगस्त 2024 बताई जा रही है एंड भेड़िया 2 2025 के आसपास रिलीज हो जाएगी। वैसे तो ये दोनों मूवीज अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इनकी कहानी आपस में लिंक होगी और ये दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है। स्त्री 2 की कहानी भेड़िया मूवी की लास्ट सीन से ही स्टार्ट होगी। डंकी 100 मूवीज के अनाउंसमेंट एक तरफ और SRK की एक मूवी दूसरी तरफ, कौन जीतेगा बताओ। डंकी उस 100 मूवी वाली लिस्ट की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने SRK की इस साल की ये तीसरी मूवी होने वाली है, जिसके रिलीज से पहले ही इसकी ब्लॉकबस्टर की बातें हो रही है, जिसे वन ऑफ द लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसने 3 इडियट और PK जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई है और ये मूवी दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। सेक्शन 84 बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन की एक तबाही फिल्म आने वाली है, जिसमें बिग बी एक केस को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज काफी खूबसूरती से करते हैं, जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। अगर आपने रनवे 34 देखी होगी तो आपको याद होगा कि क्या खतरनाक परफॉर्मेंस दिया था अमिताभ बच्चन ने। भागवत चैप्टर 1 राक्षस बॉलीवुड की एक अपकमिंग मूवी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक माइथोलॉजी मूवी होने वाली है एंड ये इस लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग मूवी लगी मुझे, जिसमें अरशद वारसी के साथ रवीना टंडन और सोनम कपूर एक साथ नजर आने वाली है एंड इसके ऑपोजिट कैरेक्टर के लिए एक्टर का नाम अभी सामने नहीं आया है। इस मूवी की फुल अपडेट बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, तो तैयार रहना। ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की अगली फिल्म ब्लडी डैडी आने वाली है। वैसे तो ये एक मूवी फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट का अडॉप्टेशन होने वाला है, जो 2011 में आई थी, जिसका जिमी फॉक्स ने हॉलीवुड में और कमल हसन ने अपने साउथ में अडॉप्टेशन किया था एंड फाइनली अब ये हिंदी में भी आने वाली है। इसकी टीजर से तो फुल जॉन विक वाली वाइब आ रही है और इसका अच्छा खासा हाइप भी दिख रहा है लोगों में। इसी लिस्ट में शाहिद कपूर की ही एक और अनटाइटल रोबोटिक रोमांस मूवी आने वाली है, जिसमें शाहिद कपूर के साथ कृति सैनन नजर आने वाली है। हिसाब बराबर आर माधवन की एक अपकमिंग मूवी आने वाली है और इनके ऑपोजिट में कृति कुलकर्णी ही नजर आने वाली है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है एंड इसके मेकर की तरफ से इसकी रिलीज डेट अभी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये भी एक बहुत ही खास मूवी में से एक होने वाली है। जरा हटके जरा बचके विकी कौशल और सारा अली खान की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी आने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट तो हो गई है और फैंस भी एक्साइटेड हैं इनकी अनाउंसमेंट को लेकर, जिसे लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट करने वाले हैं और लुका छिपी जैसी बेहतरीन मूवी डायरेक्ट करी है एंड होपफुली जरा हटके जरा बचके भी अच्छी हो। धूमधाम यामी गौतम और प्रतीक गांधी की नेक्स्ट फिल्म धूमधाम होने वाली है, जो एक कॉमेडी मूवी होगी। आज का वीडियो तो यही खत्म होता है, लेकिन सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे साथ ऐसी ही और मजेदार मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट के लिए। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर लेना।